हेलो फ्रेंड्स, भावनगर में एक कुंभण गांव है जो मेरे मामा का गांव है। तो वहां की फेमस है ये भजी जिसको कुंभणी भजी बोलते हैं। खाने में तो बहुत ही टेस्टी है, एकदम कम मसाले पड़ते हैं इसमें और पूरा धनिया से बनती है ये। बरसात में तो बहुत ही मज़ेदार लगती है, तो आप एक बार ज़रूर से बनाइए। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ धनिया ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 4 कप जितना धनिया लिया है, इसको धो के अच्छे से सुखा के फिर इसको मैंने बारीक काट लिया है। तो ये धनिया हमारा रेडी है, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसमें। 1/2 कप मैंने मिर्ची ली है जो कम तीखी वाली है। 1/4 कप मैंने लहसुन लिया है जो सूखा है। 1/2 कप अदरक लिया है, सबको मैंने छोटा छोटा छीन लिया है। लहसुन आपके पास अगर हरा हो तो हरा ही लीजिए, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिलहाल मेरे पास है नहीं, इसके लिए नहीं लिया है। मिर्ची अगर आपके पास तीखी है ना तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, पर हो सके तो फीकी मिर्ची लीजिए, तो आप ज़्यादा डाल सकते हो इसमें। तो तीनों चीज़ें धनिया के अंदर डाल दीजिए एक बर्तन के अंदर। 2 कप यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, बेसन कोई भी टाइप का आप ले सकते हो। नमक डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा नमक कम डालिए क्योंकि बेसन की चीज़ों में नमक पहले थोड़ा कम ही डालना होता है, टेस्ट के बाद ही आप ज़्यादा डालें। धनिया जीरा पाउडर 2 टीस्पून, 2 टीस्पून नींबू का रस डाला है। अभी इसको एक बार पहले मिला दीजिए और देख लीजिए कि बैटर आपका बराबर है कि नहीं है। तो मुझे यहाँ बेसन थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं 1 कप और बेसन इसमें डालती हूँ। तो टोटल 3 कप मैंने बेसन डाला है इसमें। इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से मिलाना है। फ्रेंड्स, इसमें मसाले कम पड़ेंगे, हमें खाने का सोडा भी नहीं डालना है इसमें, पर इसको इस तरह से मिलाना बहुत ही अच्छी तरह से है। 5 से 7 मिनट तक हम प्रेस करके इसको मिला लेंगे अच्छे से। इसको आप आधे घंटे के लिए रेस्ट करने रखो तो बढ़िया है, और आपके पास अगर टाइम नहीं हो तो आप तुरंत भी इसको बना सकते हो। बैटर हमारा एकदम रेडी है। आप देखा ना आपने कि मसाले इसमें कितने कम गए, पर टेस्ट इसका गजब का आएगा। तेल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है, और इसको बनाने की ही खासियत है फ्रेंड, इसको पकोड़े की तरह बड़ा बड़ा पोर्शन हमें नहीं डालना है। हमें 2 टीस्पून जितना हाथ में लेना है एक बार में, और थंब के सहायता से हमें थोड़ा थोड़ा इसमें नीचे डालना है। तो मैंने पूरा आपको स्किप किए बिना दिखाया है मैंने किस तरह से तेल में डाला है ये। फ्रेंड्स, आप खास ध्यान में रखिए इसको किस तरह से तेल में डालते हैं। तो इस प्रोसेस से आपकी जो भजी है ना वो एकदम क्रिस्पी बनेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये मेरे बेटे को सुबह टिफ़िन में भी देती हूँ, क्योंकि धनिया अगर काट के हम लोग का रेडी है ना तो ये बनाने में बिल्कुल ही टाइम नहीं जाता है। इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आप तल लीजिए अच्छे से ब्राउन हो जाए तब तक, या फिर आप चम्मच में हाथ में लेंगे ना तो एकदम करारा आवाज़ आएगा आपको, तब तक आपको तल लेना है इसको। बारिश के मौसम में ये अगर भजी मिल जाए ना तो आपको इसके साथ और किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ अगर मसाला छाछ बन जाए ना तो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारी भजी है वो बनके रेडी है। देखो ये एकदम करारी हो गई है। तो अभी हम इसको तेल से निकाल लेते हैं और प्लेट में डाल देते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनी है, आप एक बार तो इसको ज़रूर से बनाइएगा। और फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ही इंतज़ार रहता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से करिएगा। बाय बाय।